दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर झंडे वाला निश्चित जल बोर्ड कार्यालय का आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घेराव किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भगवानी कुलजीत चौहान मल्होत्रा के अलावा तमाम बड़े नेता यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में यह प्रदर्शन है और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली हम कहीं नहीं जाते, साफ पानी बस हमें भक्ति मोटिवेट करती है, सरकार नाकाम है और इसे लेकर ये प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर झंडे वाले से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। कुछ महिलाएं हैं जो लोकल यहाँ पर रहती है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है, कहाँ से आई है? मैं, मेरा नाम गुड्डू है, मैं यही फैजोड़ से आई हूँ। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पूरी रात मैं पानी के इंतजार में रहती हूँ कि मुझे पानी तो मिलेगा, लेकिन पाइप में जो पानी होगा तो मुझे पुराणों में लिखे और बताए गए एक महीने से मेरे पास एक बूंद पानी नहीं, जिसके घर से मांगने जाती हूँ वो भी मना कर देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? सरकार पानी देने में नाकाम से गिर कर कई जगहों पर निकम्मी है, नहीं दे रही है पानी। बच्चे बाहर से पानी भर भर के लाते हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे बाहर से डब्बा भरेंगे, स्कूल पढ़ेंगे कब, जाएंगे कब? ये देश का भविष्य नहीं है, भविष्य खराब है। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए, सुविधाएं हमें चाहिए। पहले हमें पानी चाहिए, पानी से हमारा हम गृहिणी है, हमें पानी की सुविधा पहले हमें चाहिए, बाद में हमें और सुविधा। जब हम पानी की सुविधा नहीं दे रहे थे, ऐसी सरकार किस काम की? एग्जैक्टली, आप राइटर हो ना? कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम आप लोग कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता धालीवाल है, यहीं से आए, करोलबाग जिले से ही है। पानी की समस्या को लेकर क्या कहें? जब मनुष्य सुबह आँख खोल के उठता है तो जब से ही पानी का उसको तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन घर में जब पानी नहीं होता तो बंदा करेगा क्या? व्यक्ति करेगा क्या? खाएगा क्या? नहाएगा क्या? बनाएगा कैसे? पहली बात तो ये कि बनाएगा कैसे? नहाना तो चलो कोई बात नहीं, गर्मी में भगवान ने इतना पसीना दे रखा वैसे ही नहा रहे हैं। पीने के लिए तो चाहिए हाथ, अगर मान लो शौचालय कोई जाता तो कम से कम हाथ धोने को तो चाहिए। बुजुर्गों के लिए दवाई लेनी है, दवाई कैसे लेगा बुजुर्ग? पानी की आवश्यकता एक एक क्षण में पड़ती है और यहाँ पानी 12 दिन से नहीं आ रहा, परेशान हो गए, कहाँ तक खरीदेगा व्यक्ति? आपका क्या? हाँ चप्पन नाना, माधव, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, मतलब पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत आता है तो बहुत गंदा पानी आता है, जैसे लैट्रिन वाला पानी है ना, उससे तो इंसान हाथ भी नहीं धो सकता, नहा सकता। पीने की बात तो बहुत दूर है, तो इसलिए इसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया पानी के लिए। काम डाउन, दुनिया त्राही त्राही कर रही है। क्या लगता है ये सरकार पीने का पानी देने में भी नाकाम है? एक तरफ फ्री बिजली फ्री पानी का दावा किया, नहीं ये हर चीज हर काम में नाकाम है, ये कुछ नहीं कर सकती ये सरकार, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आपका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण। ये बताइए कि क्या लगता है कि वास्तव में दिल्ली सरकार फ्री पानी और फ्री बिजली का जो दावा करती है वो सिर्फ झूठ? अगर नाले का पानी फ्री में मिल जाए तो क्या उससे संतुष्टि हो पाएगी? जिस पानी के अंदर बदबू आती है, जो आता थोड़ा बहुत कभी कभार, रोज आता ही नहीं पानी, मगर जितना आता उसके अंदर भी बदबू आती है, पीने लायक तो वो हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली पापा के प्रेशर, फिल्टर भी अगर मेरे घर का खुद का फिल्टर जो है वो मैंने रिपेयर कराया, फिल्टर लगवाए, 4 दिन बाद ही जाम हो गया, मिट्टी और कूड़ा उसके अंदर इतना था, तो अगर बिजनेस पेयजल तो ये सप्लाई कर ही नहीं सकते, नहाने लायक पानी नहीं है, कुल्ला नहीं कर सकते, मरे मन से आप उसको जो है किसी किस इस्तेमाल में लेंगे पानी को, समझ किसी लायक है ही नहीं वो पानी। तो दिल्ली बीजेपी की तरफ से आज झंडे वाले स्थित जल बोर्ड कार्यालय पे प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है पानी की समस्या को लेकर, और लगातार बीजेपी हमलावर हो गई है और सीधे तौर पर जो यहाँ पर महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र से आती हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ये भगवान की बात, साफ पानी दिल्ली बात, मतलब आप इंडिया भगवान नहीं है ये प्रूफ करने आए हैं। हमने भी कई कहा जहाँ पर पानी की समस्या को लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि इस बात के माध्यम से दिल्ली सरकार पर बीजेपी दबाव बना पाती है या नहीं, क्योंकि सरकार इस सवाल पर जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर दिल्ली में पानी की समस्या कब दूर होगी।